कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 आज हम इसका सातवां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता है 0.22, यानी एक इवेंट के नहीं होने की प्रायिकता दी गई है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दी हुई है 0.992, तो जन्मदिन एक ही दिन प्रायिकता होने की जो एक ही दिन होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी पीई। यह हमें निकाल, जब हमने प्रायिकता के नियम पढ़े थे तो हमने यह पढ़ा था कि कोई भी इवेंट के होने और ना होने दोनों की प्रायिकताओं का जोड़ यानी योग कितना होता है? एक होता है। इसका मतलब पीई प्लस पीई नहीं, इनका योग कितना होगा? एक। इसमें से पीई हमें नहीं पता, हमें निकालना है। पीई नहीं हमें पता है 0.992 और इनका योग आएगा एक के बराबर। यहां से पीई कितना हो गया? यह 0.992 पीई के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर से जब हमें दशमलव वाली संख्याओं को प्लस या माइनस करना होता है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगता है, तो इसको हम लिखेंगे 1.000। ये सिर्फ एक है, इसको हम लिख सकते हैं 1.000, ताकि ये जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट है और ये हो गया 0.992। अब आप वैसे ही इसको देखेंगे तो 1000 में से 992 गए 8 आएगा, लेकिन वो 8 लिखना कैसे है वो फर्क। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 0 में से 0 गया 0। तो ये हमारे पास आ गया PE बराबर है 0.008। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है।